फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग देखे थे स्नो वाले, और आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। गैंग अपने साथ, पापा जी हैं और बच्चे हैं, और पीछे दीदी हैं और इस साइड मम्मी है। तो अभी हम घर से निकलने लगे हैं। आज देखते हैं इनको कौन कौन सी लोकेशन पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे थोड़ी बहुत स्नो भी मिल जाए और कोई ऐसी बात भी ना हो ठंड वगैरह, और इतना वो बच्चे भी बीमार ना पड़े। तो लांबू क्या बोलेगा, बोलेगा कुछ है? बोलेगा, बोलो बोलो बोल। मैं लांबू के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ स्नो में। अच्छा, वीडियो बनाने जा रहा है कि स्नो देखने जा रहा है? स्नो देखने। अच्छा चिराग, तू भी बोल। चिराग बोल, मैं मामू के साथ घूमी करने जा रहा हूँ। घूमने जाने जा रहा हूँ और हम बहुत सारी स्नो देखने जा रहे हैं, और हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो ठीक है, फिर निकलते हैं हम अभी और मिलता हूँ आपसे। सभी हम पहुंच चुके हैं नदी में, और यहाँ पे अभी भी स्नो है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा भी हम आगे आए हैं नदी से, जो आपका बल विलेज को रास्ता जाता है, तो अभी उसमें थोड़ा आगे तक आए हैं। तो भाई लांबू, कैसा लग रहा है बर्फ? अच्छा लग रहा है। आते कैंडी को इसने दे दिया और इसको भूख लग पड़ी है। तो चलो चलते हैं, अभी इनको कराते हैं इंजॉय स्नो में। तो यार आप देख सकते हो, हमारे चिराग साहब खाने के लिए बिल्कुल टोटली इंजॉय कर रहे हैं, बीचों बीच खाने का पूरा मजा ले रहे हैं। और इस साइड लंबू बर्फ खा रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्नो जो है वो रास्ते में है, यानी सड़क है यहाँ पे, बट काफ़ी पक्की है, तो चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर शूज़ और क्लॉथ वगैरह वेयर करके आएँ। पापा को भी दिक्कत हो रही है थोड़ा चलने में, वो भी आराम आराम से चल रहे हैं। एंड इस साइड बच्चों को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है चलने में स्नो में। तो चलो इंजॉय तो कर रहे हैं, बट थोड़ी दिक्कत तो होगी ही स्नो में, तो वही है यार, शूज़ वगैरह प्रॉपर डाल के आए। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। स्नो में एंजॉय करा? देख ले, स्नो ही स्नो है। मामू की वीडियो में देखता था ना। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो इधर देख के बोलना, गिरा कौन कौन, गिरा कौन कौन स्नो में? वही यार, गिर तो सभी रहे हैं, और भी जो टूरिस्ट आ रहे हैं सभी गिर रहे हैं, बिकॉज देख सकते हैं आप स्नो हार्ड है एकदम।
और यहाँ पे इजली ज़्यादा नहीं तो यार 5-6 दिन रहेगी, यानी आपको नड्डी से थोड़ा बल विलेज वाली साइड को रास्ता आता, गाड़ी भी आपकी इजली आ जाएगी थोड़ा आगे तक, और साथ में आपको स्नो वगैरह इजली यहाँ पे मिल जाएगी। तो फैमिली के साथ आया था, फुल इंजॉय, फैमिली को थोड़ा घुमा दिया, तो बच्चों के साथ भी इंजॉय कर लिया। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से वापस, और चक्षु पीछे काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है अभी भी, तो उसको भी लेके जाता हूँ मैं, बिकॉज अपने ट्रैकिंग शूज़ है तो उनका ग्रिप अच्छा है स्नो में नॉर्मल शूज़ के कंपैरिजन। और यहाँ पे जो भी आते हैं वो नॉर्मल शूज़ ही डाल के आते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रहता है और स्नो में काफ़ी बंदे यहाँ पे गिर भी रहे हैं। तो चलो चलते हैं अभी हम वापस। तो अभी हम नदी में स्नो को एंजॉय करने के बाद अभी पहुंच चुके हैं डल लेक में, और अभी डल लेक में यहाँ पे थोड़ा एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे, फिर देन आफ्टर घर चले जाएंगे। सभी हमने डल लेक में घूम लिए हैं और खाना वगैरह भी खा लिया, यहाँ पे लंच वगैरह कर लिया है। और कैसा लगा, आया मज़ा? अच्छा लगा, बहुत सारा बहुत सारा मज़ा। हाँ, बहुत मज़ा आ जा। अच्छा, क्या मज़ा आ जा? बहुत खराब है ये दोनों। बर्फ देखी ना? हाँ। कैसी लगी? हाँ। अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा ठीक है, और तेरे भी तीन खुवाए। अच्छी लगी? हाँ हाँ अच्छी लगी हमको, मजा आया ना? मजा आया। चलो ठीक है, फिर अभी हम निकलने लगे हैं घर को। एंड डल लेक में भी थोड़ी बहुत स्नो है पीछे, बट इतनी ज़्यादा नहीं है, नड्डी में ही है। तो फैमिली के साथ मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे आप घूम सकते हो इजली। तो जो लोकेशन मैंने अभी आपको नड्डी में, वहाँ भी गाड़ी इजली जाती है आगे तक, और डल लेक में भी गाड़ी आती है, यानी पैदल वगैरह इतना चढ़ना नहीं पड़ेगा, घूम फिर भी सकते हो, अमेजिंग व्यू भी देख सकते हो और स्नो को भी इंजॉय कर सकते हो। तो फिर लेता हूँ आपसे विदा एंड मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में।